नमस्कार दोस्तों, मीना बुटीक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ब्लाउज में सामने में एक फैंसी जिप लगाना सिखाने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि आजकल इस फैंसी जिप का दौर काफ़ी अच्छे से चल रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है, तो इसे लगाना बिल्कुल आसान है। इसे लगाने से पहले कुछ एक बातों का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी ब्लाउज की साइज के अनुसार आपकी जिप बड़ी है तो उसे कैसे सेट करें ये हम बता देते हैं। ये देखिए, ये हमारी जिप है, फैंसी जिप है, तो ये जो जिप थी हमारी ये काफ़ी बड़ी थी। इसमें जो इसके जो बने हुए थे, ये जिप बंद करने वाले यहाँ तक थे, तो हमने क्या किया है, जो इसके ये बने हुए हैं इनको हमने प्लास की सहायता से ऐसे निकाल के अलग कर लिया और इसकी लंबाई के बराबर कर लिया है। और जो इसका लास्ट वाला नोक था, ये लॉक, इसे हमने यहाँ पर दोबारा से लगाकर प्लास की सहायता से दबाकर फिट कर दिया है, तो इसकी लंबाई के अनुसार हमने सेट कर लिया है। इस टाइप की जिप को आप इस तरह से आसानी से सेट कर सकते हैं। अब इसे लगाना सीख लेते हैं। दोस्तों, जिप लगाने से पहले हमने इसमें सिंगल फुट, जो मशीन का सिंगल बूट होता है, वो हमने चेंज कर लिया है। ये डबल वाले से ये लगने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो हमने सिंगल फुट का यूज़ किया है। अब इसे लगाते हैं। ये देखिए, सीधा हिस्सा है, इसे हम इस तरह से करेंगे, और ये वाला हिस्सा, ये देखिए हमारा ये जिप का सीधा हिस्सा है, और इसे हम लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से रखेंगे तो जब ये आएगा तो ये सामने की तरफ आ जाएगा, तो इसे ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे इसे यहाँ पर, और ये नोक हम यहाँ पर रखेंगे। इस जिप को नाप के देख लें, आपकी बिल्कुल बराबर से आनी चाहिए, और यहाँ से बिल्कुल यहाँ बराबर से है, और थोड़ा सा इसे यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से हल्का पक्का करेंगे, ये देखिए। दोस्तों, लगाते वक्त इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इस जिप के पास में ही हमें सिलाई लगानी है। और आप चाहें तो इस नोक को जो है इधर से निकाल भी सकते हैं। इस तरीके से और यहां पर आपको पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद इसे रख दें एक बार साइड में, और इसे हम इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और इसको हम इस तरह घुमा लेंगे ताकि हमारी जो सिंगल फुट है वो इस कपड़े के ऊपर अच्छे से चल सके। और यहाँ पर हम एक नोक की सिलाई लगा लेंगे। और ये जो हमारा मार्जिन है, इसे ये देखिए इस तरह से हम फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ, इस तरह से, तो ये एक तरफ की हमारी जिप लग जाती है। और इसमें जो एक्स्ट्रा ये वाला है, इसे हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। एक तरफ की जिप लगने के बाद हम दूसरी तरफ लगाते हैं। ये दूसरा वाला पल्ला है हमारा, और ये हमारी जिप इस तरह से, इसमें नोक लगा हुआ है, ठीक है, और इसे हम ये नोक उल्टा रखेंगे यहाँ से, ये देखिए, और यहाँ से, और यहाँ पर भी पक्का करके चलाएं, और थोड़ा ध्यान से चलाएं। यहाँ पर इस पे अगर सुई चलती है तो सुई टूट भी सकती है। जिप के थोड़ा सा पास में ही रखें इसे, ज़्यादा दूर भी न रखें लगाते वक्त, और थोड़ा धीरे धीरे हल्के हाथ से लगाएं, बिल्कुल इस तरह से,
और एक बार हम इसको थोड़ा सा उठा लेते हैं और इस नोक को हम इस तरफ निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा दूसरी भी लग जाती है और इसे हम फिर से इस तरह से करेंगे और इसको हम फिर से, ये देखिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया और इसे हम फिर इस तरह से लेंगे और यहाँ पर इसमें नोक की सिलाई लगाएंगे। और इसमें भी हम जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ठीक है, तो इस तरह से हमारी दूसरी तरफ भी जिप लग चुकी है और इसे बंद करके देख लेते हैं। ये नोक यहाँ पास में से लेके आएंगे और ये देखिए ये नोक इसमें फिर से डालेंगे इस तरह से और बिल्कुल अच्छे तरीके से फिट कर देंगे और इसे आप आसानी से इस तरह से बंद कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी प्रॉपर तरीके से जिप लग चुकी है। तो इस तरह से आप अपने किसी ब्लाउज में या किसी कुर्तीज में जहाँ इतना खुला हो उसमें आप आसानी से ऐसी फैंसी जिप अटैच कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और साथ में बेल का आइकन जो है वो ज़रूर से दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचती रहें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।